अमृतसर के मच्छल पिंड दी तस्वीरां कोई व्यक्ति नहीं भुल सकता, जिथे कि जहरीली शराब पीण तो बाद सैकड़े लोग मौत की भेट चढ़ गए सन। उत्थे एक बार फिर यह पिंड काफ़ी विवादां च है, जिथे कि नशा वेचण वाले व्यक्ति के खिलाफ हुण पिंड खुद ही मूहरे आ के काम कर रहा है। पिंड विच रहण वाले सिख जथेबंदियां दे आगू बलवीर सिंह मुछल वालों एक नशा वेचण वाले व्यक्ति नूं जदों सख्ती नाल पुछ पड़ताल की गई तां उस वालों कोई भी सही जवाब नहीं दिता गया, जिस बाद सिख जथेबंदियां दे आगूआं वालों ते पिंड वासियां वालों उस व्यक्ति की चंगी तरह कुटमार की गई। कल्ली एक जथेबंदी वालों नहीं, पिंड वासियां ने बड़ा वड्डा संयोग दिता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵਿਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। क्योंकि असी सरकार को पहलिया को भी बड़ी मंग करते आ रहे हाँ, पर हूँ भी सरकार को साड़ी ये मंग है कि नशा दिना दे जड़ा वो बिल्कुल जेड़े वेच रहे हैं उन्हें तस्करों फड़ के सलाखों के अंदर सुटिया जाए, तो नशा जोड़ा पिंडा विक रहा बिल्कुल बंद किया जाए। जे ना बंद किया जिमें अज असी अपने पिंड मुछलों के कतलता की है, जेडे बहरले पिंडा नशा लैन वाले आए सन उन्होंने भी सौदा लाया है, असी हुण लिहाज नहीं करांगे, कमर कसे कर ले ने। जिहड़ा साडे पिंड विच कोई नशा वेचेगा जे ते ओ अपने तौर ते आण के साडे नाल भाईवाली करके भाव के ए अज तो बाद नशा नहीं वेचूगा, अज तो बाद गोलियां नहीं वेचेगा, नशीला पदार्थ नहीं, चिट्टा नहीं वेचेगा, हीरोइन नहीं वेचेगा, उन्हूं बिल्कुल पिंड दे विच नार रलाया जाएगा। ते जिहड़ा आंदा कि मैं वेचना भी हाँ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਮੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਵਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ 24 ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਕਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।